फतेहाबाद में 26 जनवरी को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की। इस दौरान महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाती हुई दिखाई दी। रिहर्सल के बाद किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने सड़क पर ट्रैक्टर को खड़ा किया। वहीं लघु सचिवालय के ठीक सामने किसानों ने ट्रैक्टर पर ही स्टेज बनाकर बीच सड़क पर जनसभा की, जिससे सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम दिखाई दिया। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी मैं बुथन कला से आई हूँ जी। आज का क्या मकसद है आपका यहाँ पे आने का? आज का यही मकसद है कि हम ये सरकार ने जो तीनों काले कानून हैं पास किए हैं उनको वापिस लें और जल्दी से जल्दी किसानों को अपने घर भेजें। तो सरकार जिस तरीके से रवैया कर रही है वो बहुत खराब कर रही है किसानों के साथ, क्योंकि तो आज फतेहाबाद जो आप आए हैं आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? और हम यहाँ पे रोष प्रदर्शन करने आए हैं जी, उन कानूनों को वापिस ले सरकार बस। तो 26 तारीख को जिस तरीके से परेड की घोषणा की हुई है, आज आपने यहाँ पे परेड की है? हाँ जी, 26 तारीख को भी जरूर जाएंगे परेड में दिल्ली। तो आपके साथ ये आपके दादी आए हैं? हाँ जी। आप कुछ ट्रैक्टर चला के लेके? हाँ जी। गाँव से आए हैं या कहीं? गाँव से। कौन सा गाँव? उत्थन कला से जी। असीं जी 26 जनवरी की तैयारी वास्ते आए हैं जी। 26 जनवरी को जिहड़ा मान लो दिल्ली जी रैली कढ़नी आ, तो दिल्ली जी जाके लाल किले से झंडा फहराना वा, परेड कढ़नी आ जी उहदे वास्ते जी। हाँ जी, इस करके असीं पिंडों पिंडों ट्रैक्टर इकट्ठे करके ये ट्रैक्टर मार्च इसलिए कढ़िया वा भी मोदी नूं विखाईए। मोदी कह रहा वा भी ये जिमीदार नहीं गे, मोदी नूं ये विखाईए भी जिमीदार हाँ असीं, असीं कोई वो नहीं गे भी मान लो कोई होर नहीं गे, असीं जिमीदार हाँ। सानूं ये आतंकवादी घोषित करन नूं तैयार होए हुए आ भी ये आतंकवादी है, अहीं कोई आतंकवादी नहीं, अहीं जिमीदारां दे पोते हां ते अहीं जिमीदार हां। ठीक है जी। अज कादे लई मार्च कढ़िया? ये अहीं जी आपदे हक्कां लई जिहड़े मोदी ने तीन कानून लागू किए उन्हां नूं रद्द कराउण वास्ते। ये कहिंदे आ भी अहीं इहदे विच शोधन कर देंगे पर उहदे लई अहीं तैयार नहीं गए। अहीं कहिंदे भी ये साडे तिन्ने कानून जिहड़े उह रद्द होणे चाहीदे आ। ठीक है जी। ट्रैक्टर मार्च अज कहां से कहां तक निकला? ये ट्रैक्टर मार्च सारे आ फतेहाबाद दा रतीए दा जी। ये इत्थे फतेहाबाद डीसी ऑफिस वास्ते अहीं आए हैं जी, भी इन्हों भी पता लगे भी हाँ ये किसान है गया जी। ठीक है जी। की नाम है जी? सिमरन जी। वहीं किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ट्रैक्टर्स की वजह से लघु सचिवालय के आसपास कई किलोमीटर तक दोनों तरफ सड़क जाम भी लगा रहा। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। किसान और सरकारों के बीच काफी दफा वार्ता हो चुकी है लेकिन जितनी भी वार्ता हुई सब बेनतीजा रही। अब एक बार फिर 19 जनवरी को सरकार और किसान आमने सामने होंगे। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।